Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. और टाइटल से आप लोग पढ़ चुके हो कि आज क्या होने वाला है आई प्रोमिस यू गा कि इस साल मैं हर मंथ के एंड में मंथली फेवरेट्स का वीडियो पक्का पक्का करूंगी एंड टुडे इज द सेकेंड मंथ्स फेवरेट दैट इज फेब्ररी फेवरेट्स थोड़ा सा लेट हो गया टुडे इज सिक्स ऑफ मार्च एंड येस आज मैं शेयर करूंगी कि फेबररी मंथ में वो कौन सी चीज़ें वो कौन से गाने वो कौन सा खाना वो कौन से प्रोडक्ट्स थे जिनसे मैं लिटरली लिटरलीसेस्ड थी एंड uh, कुछ कुछ तो मैं एम भी कर चुकी हूँ आई एम गन शो एवरी थिंग इन today's video if you're excited keep on watching this till the very very end but if you're new to my channel take out a moment hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time i upload a video you get notified now without any further blabbering let's just dive right into the video तो सबसे पहले हम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम अपने आगे फ़न कैटेगरीज में बढ़ेंगे तो ये वीडियोस ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आई एम गोइंग टू शेयर द प्रोडक्ट्स जो मैंने एक्चुअली यूज़ करके ऑलमोस्ट खत्म हैं एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट कैटेगरी जो होगी मेकअप तो मेकअप में मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है ऑब्वियसली हर महीने मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज़ एवरी डे मेकअप मेरा बहुत ज़्यादा बेसिक होता है सो नॉट एवरी मंथ आई एम हैव वेरी न्यू प्रोडक्ट्स बट हाँ इस बार मेरे पास दो

एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग आई यूज इट एवरी सिंगल डे मैं हर दिन ऑफिस जाती हूँ मैं रोज मेकअप करती हूँ एंड दिस इज वॉट आई वेयर एंड ऑन द डेज जिस दिन मैं मेकअप लुक शूट नहीं कर रही जिस दिन आपको नहीं दिख रहा है कि मैंने ऐसे कोई ग्लैम मेकअप किया हुआ है एंड आई जस्ट हैव दिस नो मेकअप मेकअप लुक उस दिन मैं यही अपने बेस पर लगाती हूँ और कुछ भी नहीं आई डू नॉट यूज एनी कंसीलर इसको मैं सिर्फ अपना स्किन केयर करने के बाद दो ड्रॉप अपने फिंगर्स पे रब करके आई जस्ट Pat it all over my skin and that's it. No blender, no brush, no... यू नो कंसीलर पाउडर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती दिस वन प्रोडक्ट डज इट ऑल फॉर माई बेस फॉर एन एवरी डे बेसिस तो इसको ज़रूर ज़रूर चेकआउट करना अगर आपको यू नो एवरी डे के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए एंड यू आर नॉट सम वन जो बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर करते हो सो दिस इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट सेकेंड बेस्ट प्रोडक्ट इज़ अ हाई कवरेज फाउंडेशन ना अभी शादी सीजन भी आने वाला है एंड काफ़ी सारे अभी फेस्टिविटीज़ भी आने वाली हैं सो इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ हाई कवरेज फाउंडेशन दिस इज़ द वे टू गो एंड

करते अपनी सेकेंड कैटेगरी जो होगी स्किन केयर नाउ स्किन केयर के लिए आई हैव प्रोडक्ट्स दिस टाइम। पहला है ये फेस वॉश दिस इज द प्लम का वन परसेंट इन कैप्सुलटेड एसिड फेस वॉश इस फेस वॉश पे भी आई थिंक मैंने एक वीडियो पक्का करी हुई है आई रिमेंबर कि मैंने आप लोगों के साथ ये पहले शेयर किया था मैं लिंक कर दूंगी जस्ट इन केस यू वांट अ डिटेल रिव्यू एंड ये वाला फेस वॉश मैं पहले भी आई थिंक दो तीन बॉटल्स यूज कर चुकी हूँ एंड इस बार मैंने दोबारा से इसको मंगाया है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट अगेन एंड दैट इज हाउ मच आई लव दिस फेस वॉश इसमें इनकेप्सुलेटेड सालिसलिक एसिड है जो कि आपकी एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है इवन आई थिंक कॉम्बिनेशन स्किन अगर आपका एक्ने हो रहा है तो आप

दिस इज द ओनली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो इसमें इस बच गया है एंड इट हैज सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टेक्स्चर आप इस प्रोडक्ट को एक बार यूज करके कर देखो योर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किल वुड लव यू फॉर दिस सो इसकी जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की रेंज है इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स में मॉइस्चराइजर हैं लाइक गुलाब एंड ग्लाइकॉलिक या दैन आई थिंक कोजिक एसिड है तो आप अपने कंसर्न के हिसाब से इस रेंज से कोई भी मॉइस्चराइजर पिक आउट कर सकते हो दे आर सो गुड रात में अगर इसका अच्छी सी एक लेयर लगाओ ऐसा लगता है कि आपने स्लीपिंग मास्क लगा रखा है अपनी स्किन पर इट इज़ सुपर डुपर हाइड्रेटिंग एंड इसके ऊपर अगर आप मेकअप अपना लेयर करते हो तो आपका मेकअप पूरे दिन बिल्कुल ड्राई नहीं होने वाला है इट इज

क्रीमी एंड रिच इन टेक्सचर एंड बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है एंड बहुत अच्छा हाइड्रेशन छोड़ देती है एंड प्लस एस पी एफ फिफ्टी है सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर अ डेफिनेट मस्ट बाय एंड मैं इनको अभी फटाफट फटा आप लोगों से इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी डॉक्टर शेड्स की वेबसाइट पर आई थिंक बाई वन गेट वन चल रहा है नॉन स्पॉन्सर्ड एट ऑल बट आप लोग इन्हें हाफ प्राइस पे ले सकते हो तो वाई नॉट एंड देट वॉज इट फॉर स्किन केयर बढ़ते हैंयर केयर की तरफ आप लोग देख सकते हो आई हैव बीन लविंग माई हेयर दीज डेज जब से मैंने कटवाए हैं आई हैव बीन ऑन अ हेल्दी हेयर जर्नी नॉट दैट मैं हीट बिल्कुल नहीं यूज कर रही हूँ कभी कभी एज एन वेन रिक्वायर्ड आई ब्लो ड्राई माई हेयर एंड आई ऑल्सो स्ट्रेटन माई हेयर समटाइम्स नॉट ऑलवेज अब आप देख रहे हो गए कि मैं हर वीडियो में आपको स्ट्रेट बालों के साथ नहीं नजर में आती हूँ बट कभी अगर मुझे स्ट्रेट करने होते हैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरे बाल डैमेज ना हो तो मैं बिना हीट प्रोटेक्टेंट के अपने बाल स्ट्रेट नहीं करती एंड फॉर देट आई हैव बिन लविंग दिस बी ब्लंट का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन मिस्ड दिस इज़ द ओनली हीट प्रोटेक्शन मिस दैट आई सुवेर बाय पहले मैं लॉरियल का जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीरम था उसको यूज करती थी एंड आई डिड नॉट नो की सीरम्स डो नॉट एक्ट लाइक हीट प्रोटेक्टेंस कुछ सीरम्स होते हैं जिनमें हीट प्रोटेक्शन होता है वो उसमें मैंशनड होता है बट येस नंदस यू कैन यूज दीज हीट प्रोटेक्शन मिस दो मैंने खरीद लिए हैं क्योंकि बी ब्लंट पर भी बाई वन गेट वन चल रहा था मैंने लास्ट मंथ मंगा लिए थे आई हैव ऑलरेडी एम टीड टू टू थ्री बॉटल्स वो तीनों मुझे पी आर में आई थी एंड उसके बाद ये मैंने अपने पैसों से मंगाई है अभी भी मेरे ख्याल से सेल चल रही होगी आप लोग एक बार चेक आउट कर सकते हो जस्ट इन केस आपको भी सेल पे मिल जाए वरना वेट करो एक दो महीने में ना वो सेल लगती रहती है बाई वन गेट वन वाली तो उसमें आप लोग ले लेना और फेशियल वेबसाइट से लिंक तो मैं सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी अभी बढ़ते हैं उन दो प्रोडक्ट्स की तरफ जो कि मेरे फेवरेट हैं बिल्कुल फेवरेट है टू गेट दीज ब्यूटिफुल वेव्स ये मैंने बिल्कुल हीट स्टाइलिंग से नहीं किया हुआ है दिस इज हाउ माई नेचुरल हेयर इज आई हैव वेवी हेयर एंड आई यूज़ दीज स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स टू स्टाइल माई वेवी हेयर ये कर्लिंग के लिए हैं बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ मूव से मेरा काम नहीं होता है तो दिस इज द लिव इन क्रीम दैट आई यूज दिस इज द कर्लवाना का लिव इन क्रीम एंड दिस इज द कर्लवाना का स्टाइलिंग जेल तो मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ अपने बालों को स्टाइल करने के लिए अगर आपके कर्ली हेयर है या आपकी वेवी हेयर है दोनों में ही आप इनको यूज़ कर सकते हो यू कैन सी दैट देव गिवन ब्यूट डेफिनेशन टू माई वेवस बिल्कुल आपको फ्रिज नहीं नजर आ रहा होगा एंड दिस इज माई डे थ्री हेयर मैंने मंडे को अपने बाल धो के स्टाइल किए थे अनाज तीन दिन हो चुके हैं एंड आई हैव नॉट रिफ्रेश माई हेयर मैंने दोबारा से इनमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया तीन दिन से मेरे बाल एज इट इज़ है एंड आई जस्ट लव दीज टू प्रोडक्ट्स एंड इवन इफ़ यू हैव कर्ली हेयर यू आर गोइंग टू लव दीज प्रोडक्ट्स आज मैंने अपनी मम्मी के बाल इनसे स्टाइल किए थे शी हैज़ ब्यूटिफुल कर्ली हेयर लाइक उनके कॉयल्स बनते हैं वैसे वाले कर्लीयर एंड बहुत अच्छे से कर्ल्स होल्ड हुए हैं सो डेफिनेटली डेफिनेटली चेक दैम आउट इफ़ यू आर ली और वेवी हेयर गर्ल एंड इनकी वेबसाइट पे बहुत अमेजिंग सेल्स चलती रहती है तो इनको आप लुकआउट करना इनकी जो बाई वन गेट वन की सेल आती है या तो उसमें से पिक कर लेना आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ जाएंगे बट अगर वो वाली सेल नहीं भी चल रही होगी तो भी इनकी वेबसाइट में यूजली ऑफर्स चलते ही रहते हैं तो नीचे लिंक कर दूंगी आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट ज़रूर करना नाउ दैट ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर डन बढ़ते हैं अपनी म्यूज़िक स्लैश पॉडकास्ट रेकमेंडेशंस की तरफ मैं अमेज़ॉन म्यूज़िक यूज़ करती हूँ बिकॉज़ आई हैव प्राइम का मेम्बरशिप तो उसमें अमेज़न म्यूज़िक फ़्री आता है एंड अमेज़ॉन म्यूज़िक पे कुछ कुछ टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स अवेलेबल नहीं थे तो आई थॉट कि शायद से वो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है यू नो अमेज़ोन पे नहीं है कहीं और पे होंगे सो आई जस्ट डाउनलोडेड स्पॉटिफाई एंड ओ माई गॉड स्पोटिफाई पे देर इज दिस प्ले लिस्ट कॉल्ड टेलर स्विफ्ट कंप्लीट कलेक्शन एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद दिस मैंने पिछले एक महीने में इस कलेक्शन के अलावा मुश्किल से दो तीन गाने सुने हैं वो भी इसलिए क्योंकि वो रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे एंड मुझे जबान पे चढ़ गए थे तो तब जाके मैंने वो गाने सुने हैं बट अदर देन दिस प्ले लिस्ट आई हैवेंट हर्ड एनी अदर सॉन्ग मैंने पिछली बार भी बता दिया था दैट आई एम गोइंग टू रैंट अबाउट टेलर स्विफ्ट इन एवरी ऑफ माई फेवरेट्स वीडियो बिकॉज आई जस्ट लव हर एंड आई लव ऑल हर सॉन्ग्स आई कैन नॉट पिक एनी फेवरेट दिस मंथ बिकॉज आई हैव

आई हैव बिन ऑबसेस्ड विद दिस सॉन्ग एंड हाउ मतलब बिल्कुल ही जबान पर ही चढ़ गया है जब से रील्स पे वायरल हुआ है एंड आई नो दैट इज़ द केस विद लॉट ऑफ पीपल दिस सॉन्ग इज सो 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 अडिक्टिव एंड द वे शी सिंग्स इज़ जस्ट अमेजिंग मुझे उसके बहुत सारे गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं लाइक like, uh, उनके सारे ही गाने ना बहुत ज़्यादा अडिक्टिव होते हैं कि मैं एक बार सुन लेती हूँ तो वो बिल्कुल ज़बान पर ही चढ़ जाते हैं आदि दिन दिस एक गाना है जो मुझे बहुत ज़्यादा uh, पसंद आया आफ्टर सरगुन मेड अ रील ऑन दिस आई थिंक ये उन्हीं की मूवी का या उनके एल्बम का ही गाना है ये सो द सॉन्ग नेम इज़ नब्बे नब्बे एंड ओ माय गॉड इट इज सच अ वाइब इट इज सच अ वाइब ये दोनों गाने पक्का पक्का सुनना मेरे यूजुअली फेवरेट्स में या तो टेलर स्विफ्ट होते हैं या पंजाबी गाने होते हैं आई डोंट यूजअली लिसन टू बॉलीवुड म्यूजिक एज सच बट डेफिनेटली uh, आप लोग नीचे कॉमेंट्स में रेकमेंड करोगे तो मैं पक्का सुनूंगी एंड हो सकता है कि आप पता है नेक्स्ट मंथ के मेरे फेवरेट्स में आपका फेवरेट गाना आ जाए बिकॉज आई डू नॉट एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद माई म्यूजिक माई शोज माई बुक्स बट येस इफ़ समबडी रेकमेंड्स आई डेफिनेटली गिव दोज अ ट्राई एंड अगर मुझे पसंद आ जाता है तो नथिंग बेटर देन दैट रही बात पॉडकास्ट की तो पॉडकास्ट मैंने इस महीने ज़्यादा सुने नहीं है बट जब भी मैंने सुना है तो आई हैव बिन लिसनिंग टू दिस ऑन माई माइंड बाई एवर जूल्स आई हैव बिन लविंग हर पॉडकास्ट मतलब कि इनका इट इज शॉर्ट ऑफ लाइक अ वीडियो वाला फॉर्मैट जैसे वो सिर्फ बैठती है एंड शी जस्ट टॉक्स अबाउट रैंडम थिंग्स वॉट इज ऑन हर माइंड एंड शी कवर्स अ लॉर ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स तो इट जस्ट फील्स लाइक वेन एवर आई एम बोर्ड एंड यू नो आई एम

और कोई नहीं देखे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है सो हैव जस्ट बिन वॉचिंग फ्रेंड्स हियर एंड देयर जब टाइम मिलता है मूवीज में आई वॉच टू मूवीज दिस मंथ वन ऑफ विच इज़ अ री वॉच एंड आई लव माई ओल्ड क्लासिक्स आई वॉचड वीर जारा अगैन एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ लाइक ऑल टाइम फेवरेट कभी भी मुझसे पूछोगे वीर जारा वुड बी अ पार्ट ऑफ माई लिस्ट इट इज़ दैट गुड अगर आपने अभी तक वीर जारा नहीं देखी है वॉट आर यू इवन डूइंग गो एंड वॉच दैट मूवी फर्स्ट एंड मुझे कॉमेंट्स बताना आपको कैसी लगी और अगर आपने पहले से देखी हुई है तो भी मुझे कॉमेंट्स बताना कि आपको कैसी लगती है आई हैव ऑप्स सेज विद दैट मूवी इट इज़ सो गुड लाइक द दैट लव स्टोरी इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट इज़ जस्ट स्ट्रेट आउट ऑफ फेरी वर्ल्ड बहुत अच्छी मूवी है बहुत 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 अच्छी मूवी है उसके अलावा इस महीने मैंने एक नई मूवी देखी आई डोंट नो अगेन एज आई ऑलवेज से आई लिव अंडर अ रॉक मैंने ये मूवी अभी तक पता नहीं क्यों नहीं देखी थी वन ऑफ द रीज़न बींग कि मेरे भाई ने मुझे स्टार्टिंग में मना किया था कि तू मत देखना बिकॉज आई एम नॉट सम वन हु वॉचिज अ लॉट ऑफ वायलेंट कॉन्टेंट अ लॉट ऑफ सेंसिटिव कॉन्टेंट आई स्टे अ अवे फ्राम इट क्योंकि इट जस्ट अफेक्ट्स मी यू नो मेंटल लेवल पर बहुत नेगेटिवली uh, अफेक्ट करता है एंड आई एम नॉट समन हू टेक्स दैट वेरी वेल तो आई जस्ट स्टे अवे फ्राम सच कॉन्टेंट तो मैं यूजअली अपने लाला वर्ल्ड में ही होती हूँ आई वॉच रोमांस आई वॉच लिटिल बिट ऑफ मिस्ट्री एंड थोड़ा बहुत कॉमेडी बट इट इज मोस्टली रोम कॉम बट यस आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एल्स इसीलिए मैंने इस म, महीने मूवी देखा द केरला स्टोरी and oh my god I knew कि मेरे भाई की उम्रा कर रहा था वो मुझे वो मूवी देखने के लिए it was I I really just can't explain what it did to me it was so disturbing so so disturbing and like one should watch that movie It is a must watch, even if you are someone like me, someone very, you know, light hearted, <laughs> you know, weak hearted, I would say, who uh, doesn't consume sensitive content, still go and watch that movie. It is shot so beautifully, the storyline, everything that is depicted is so good. I don't have anything else to say. And then knowing that it was based out of a real story. वॉज इवन मोर डिस्टर्बिंग बट बहुत अच्छी मूवी थी आप एक बार जरूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है एंड अगर देखी है तो मुझे कॉमेंट्स भी बताना वॉट आर योर थाट्स अबाउट दैट मूवी बट या यू नो गेटिंग ओवर दैट आई हैव टू फूड रेकमेंडेशंस दिस मंथ तो मैंने अब भी हाल फिलहाल ही कुछ टाइम पहले आई हैव बिन ईटिंग हेल्दी एंड आई एम नॉट बीन ईटिंग रैमिन एज आई सेड लास्ट मंथ लास्ट मंथ तो मैंने पता नहीं कितना रैमिन खाया था इस मंथ आई डेंट हैव अ लॉट तो आह, uh, I have been eating healthy and uh, once I was out उम्म um, and we went to Cali California burrito. We got a rice bowl and uh, with that I got a avocado toastada. यही नाम था शायद उसका and it was for somewhere around I think hundred rupees. तो एक पापड़ जैसा था वो and उसके ऊपर उन्होंने guacamole लगाया बता It was so tasty. First time in my life that I had um, this uh, avocado. I haven't had avocado yet. But it was so good. And oh my god, I loved it. I am. हंड्रेड परसेंट श्योर दैट द नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग आउट टू ईट समथिंग एंड आवोकाडो टोस्ट आडा इज मस्ट फॉर मी फ्रॉम कैलिफोर्निया बरीटो आई डोंट नो कि और जगह पर भी वो सेम चीज़ मिलती है कि नहीं बट दैट पापड़ का क्रिस्प एंड देन दैट गोकूमुल का टेस्ट एंड द टेक्स्टर वॉज सो गुड आई लव इट अगर कि आपने नहीं ट्राई किया है पक्का पक्का ट्राई करना बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है एंड अनादर थिंग जो मैंने इस महीने नहीं ट्राई किया आई एम नॉट सम वन जो कि घर पर ज़्यादा हेल्दी बना हुआ हरी सब्जी और ये सब खाती हूँ मतलब

एट्टी एट्टी फाइव परसेंट सेम था थोड़ा सा ही अलग था जैसे मैंने बोला इट वॉज़ एन आर आई कद्दू की सब्जी बट इट वॉज सो गुड आई एम डेफिनेटली एडिंग इट टू माई फेवरेट्स लिस्ट लाइक कमिंग फ्रॉम मी हु हेट्स ऑल दिस टेंडा लॉकी करेला कद्दू इज़

दैट फोर के का ऑप्शन फॉर पीपल हु आर लाइक अपसेज विद गुड क्वालिटी वीडियोज़ लाइक मी एंड फाइनली माई वीडियोज़ आर इन फोर के आई एम नॉट प्रोमिस दैट ऑल ऑफ देम वुड बी इन फोर के बिकॉज़ कुछ वीडियोज़ मैं अभी भी अपने डी एस एल आर से या अपने फ़ोन से शूट करती हूँ तो वो टेन एटी में ही होंगे बट स्टिल यू विल एबल टू वॉच माई व्लॉग्स विद गुड क्वालिटी कैमरा फुटेज एंड आई एम सो हैप्पी अभी जो मैंने दो ब्लॉग शूट किए थे उनकी क्वालिटी वो सो गुड आई डिड नॉट डू अ गुड जॉब एट व्लॉगिंग आई अग्री

care of it. Uh uske law, I don't think there is anything bad that I have to say about it, and I am obsessed with this camera. So if you are someone who's looking out to buy a new camera, maybe for vlogging or maybe for एनी थिंग एल्स यू माइड व चेक एड आउट इट इज़ रियली रियली गुड एंड येस इसी के साथ आज के सारे मेरे मंथली फेवरेट्स खत्म हो जाते हैं यही सब चीज़ें थी जो फेब्ररी में मैं ऑप्सस्ड रही हूँ जिन चीज़ों से सब मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज़रूर चेकआउट करना मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपके करेंट फेवरेट चीज़ें क्या चल रही हैं आपके फेवरेट ऑप्सेशन क्या है शोज़ म्यूजिक प्रोडक्ट्स वट ever and i would love to give all of them a try and yes agar ye like video pasand aaya to like share comment and subscribe to my channel and i will see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye